हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के माहौल में, और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी नो डाउट, क्योंकि टाइम ही ऐसा है तो तैयारी तो चलना स्वाभाविक ही है, और काफ़ी आप लोग एक्सट्रीम लेवल पर प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पास इसकी न केवल आप लोगों को दिखे, बल्कि एक तो ग्लोबल चैलेंज के तौर पर ही ये महामारी आप लोगों के सामने दिख ही रही होगी ना। तो इससे आप लोगों को मन में निश्चित तौर पे, जैसे जिस प्रकार से बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े समिट्स, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, लेकिन बड़ा से बड़ा काम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको भी इस जो लॉकडाउन के सिचुएशंस है उसमें उसको भी टाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर रेज करता होगा कि फिर क्या UPSC के हमारे एग्ज़ाम जो 31 मई को होने वाले हैं वो क्या होंगे कि नहीं होंगे। इसी तौर पे सस्पेंस बनना वाजिब है और सस्पेंस होना भी चाहिए। लेकिन फिर मैं आप लोगों को इस बारे में बात की जाए, डेट के बारे में बात की जाए, तो UPSC ने तो इस बारे में, हालांकि UPSC ने यदि बात करें हम, तो अपने पिछले इंटरव्यू ही UPSC ने इसी COVID-19 की वजह से अपने इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी गंभीरता से इस महामारी को भी ले रहा है। तो और उसमें कोई डाउट नहीं, कोई टॉप उस पर है ही, है ना पूरा उसमें। तो निश्चित तौर पर हम देखें इसकी, यदि हम उसकी एक्टिविटीज़ को वाच करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका इंडिकेशन दिख ही जाएगा, है ना। और बहुत से मोस्टली UPSC ने अपने एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए हैं। हाँ, यह है कि UPSC का जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने का ऑफिशियली नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया है, उसमें सस्पेंस लोगों का बना हुआ था। हालांकि 15 अप्रैल को जो है UPSC ने अपने नोटिफिकेशन एक जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 मई, इट मीन्स की जो लॉकडाउन का जो फेज 2 चल रहा है, इस फेज 2 के बाद जो है तो UPSC इन सभी, यानी कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है और COVID-19 के जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तो इसमें फेज 2 के बाद जो है तो इसमें डिसीजन लिए जाएंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे या पोस्टपोन होंगे तो कब होंगे, इसके बारे में नए तरीके से जो है तो after 3 मई जो भी होगा फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन मोस्टली फ्रेंड आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, 3 मई को UPSC जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगी, और ज़्यादा मोस्टली चांसेस तो यही हैं कि जो ये एग्ज़ाम है तो इसकी डेट जो है तो पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर भी कुछ ज़्यादा श्योरिटी इस बात इसलिए भी नहीं क्योंकि UPSC की उस पर कैपेसिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वो अनप्रडिक्टेबल है जिस प्रकार से अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए अनप्रडिक्टेबल है UPSC, उसी तरह से अपने कार्य के लिए भी अनप्रडिक्टेबल है कि वो कब पता नहीं क्या, मतलब कि किस तरह के एक्शन ले सकती है उसका कोई निश्चित नहीं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जिस तरह से एक्टिविटी देखी जा रही है और जिस तरह से COVID-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको यदि ध्यान में रखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से सभी गतिविधियाँ वैसे भी पूरी तरह से बंद हैं, और ये पूरी तरह से हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पास ज़्यादातर जो है तो UPSC एग्ज़ाम तभी कंडक्ट बेहतर तरीके से कर पाएगा जब हर स्टेट में जो तो पूरी तरह से ये कोरोना का मामला अच्छे से ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि डिफरेंट स्टेट से लोग एग्ज़ाम देने आएंगे, इसके सेंटर भी जो तो हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए भी ये इशू भी आ सकते हैं। इसलिए चांसेस ज़्यादातर बनते हैं कि डेट जो है इसकी पोस्टपोन होगी। फिर भी फ्रेंड डेट यदि चाहे तो 31 मई हो या कि डेट इसकी पोस्टपोन भी हो, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखना है, क्योंकि क्या है कि यदि इसमें से डेट बढ़ती है, डेट एक्सटेंड होती है, तो जो उसमें टाइम मिलने वाला है तो सिर्फ आपके लिए स्पेशल तो इंडिविजुअल मिलने वाला नहीं है, वो टाइम मिलेगा सभी को, इक्वल लेवल पर मिलेगा, सभी को बराबर टाइम मिलेगा, तो उससे कोई खास ज़्यादा नहीं फर्क आने वाला है, वो सभी के लिए बराबर ही टाइम होगा। इसीलिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू बतौर में बताना चाहूँगा कि आप IAS टीम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज भी लॉन्च कर चुकी है, हमारी टेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसकी सीरीज नंबर 1 लॉन्च हो चुकी है, इसमें वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है, वो एक्सपर्ट पैनल के द्वारा तैयार की गई है। तो इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों में जिस प्रकार समस्या ये होती है, उनको जो है तो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी बहुत ही कम अवेलेबिलिटी, अच्छे कंटेंट की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत ही कम है। तो इसलिए आप लोगों को मैं विशेष तौर पर यहाँ पर बताना चाहूँ कि आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और साथ ही साथ जो भी समस्याएँ हों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँ, टीम उसका निश्चित तौर पर निदान करेगी, और हम अपनी ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है UPSC 2020 के एग्ज़ाम के लिए, हम उसके अगले वीडियोज़ भी जल्द ही लाने वाले हैं, और हम पूरा 365 डेज़ की करंट अफेयर्स आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क
जो तो हम लाएंगे, कोई भी पेड बैच यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, पेड कुछ भी नहीं है, आपको निःशुल्क हम तैयारी करवाएंगे, निःशुल्क करंट अफेयर्स देंगे, आप उसका लाभ लें। और साथ ही साथ उन दूरदराज के छात्रों को भी, या कि ऐसे छात्र जो कि कुछ परीक्षा, जो कि कुछ पैसों या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से जो वह तो अच्छे जो कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले पाए, या अच्छे मतलब कि पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पाए ना, या अन्य किसी वजह से वो मतलब कि कंटेंट की कमी से जूझ रहे हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ